फिर आया वापस तो किसी ने मुझे देख लिया, ढूंढ लिया, और उन्होंने कहा कि जी आइए। तो आपका जर्नी हम थोड़ा सा कैप्चर करते हैं, फिर आगे भी बात करेंगे. सो ये ड्रामे अब स्टार्ट हो गए, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ कैसे आया? मुझे तो कहानी पता है लेकिन मैं नहीं बता रही, आप बताएं. एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो वही वाली सिचुएशन कही है, काम करते करते फिर उधर उस वक्त दौर थोड़ा चेंज हो गया था। टीवी पे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कुछ उस वक्त के रूलर्स का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, तो इंडस्ट्री बंद हुई। फिर टेलीविज़न सिर्फ रह गया, टेलीविज़न पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो गई। मैं पर्सनली उन सब चीज़ों के अगेंस्ट था, और इडियोटिक चीज़ें थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि जी हमने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं या हम माशरा सुधार रहे हैं। हालांकि माशरे में सुधारने वाली चीज़ उस वक्त थी नहीं कोई, तो उस प्रोसेस में मैंने छोड़ दिया। एक अपॉर्चुनिटी आई कि जी एक एजेंसी थी लाहौर में, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ काम करें। उनके पास बहुत सारे और भी नाम थे इसी तरह से इंडस्ट्री से। मैं कहा श्योर, मैं कहा आता जाता मुझे कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप कर लेंगे। अच्छा शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता करते करते, उन्होंने फिर मुझे कराची भेज दिया। कराची भेजा, 4-5 साल उनके साथ कराची में काम किया, फिर उसके बाद अपनी एजेंसी शुरू कर दी और फिर तो चलते। दिस इज़ हाउ यू मूव टू कराची. अच्छा सो लाहौर से कराची आप मूव कर गए. तो उस टाइम पे फिर तन्हाई आया, तो तन्हाई पे कैसे आया रोल आपको? क्योंकि उससे पहले लाहौर स्टेशन के लिए मैं काम करता था और कराची के प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर मैं इन्वॉल्व नहीं था उनके साथ। फिर उसके बाद जब यहाँ लोगों को पता चला कि मैं यहाँ मूव हो गया, तो ये एक सीरियल था शहज़ाद खलील, उसके डायरेक्टर हसीना मोइन ने लिखा हुआ था। तो उस वक्त उससे पहले एक दो प्लेज मैंने किए थे यहाँ पे, जिसमें अमावस के नाम से एक प्ले जी था बिल्कुल. और